हेलो एवरीवन, रेडिएंट सृष्टि के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो गेस करूँ मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ राजीव चौक। जी हाँ, सेंट्रल पार्क। बहुत बड़ी मैंने वीडियोस में देखा था इसके बारे में और सुना भी था, तो मैंने सोचा कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल गई अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से सेंट्रल पार्क के लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको तो पता ही है कि संडे के दिन मेट्रो में कितनी भीड़ होती है। अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेट्रो में कितनी भीड़ है। तो ये आ गई हमारी मेट्रो और ये देखो, जाने तक की जगह नहीं बची है। और ये है अंदर का नज़ारा जो कि आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये देखो, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं जैसे तैसे करके राजीव चौक पहुंच गई और राजीव चौक से जैसे वीडियो में देखते रहना मैं कौन से गेट नंबर से एग्जिट करूंगी। तो वहां से जैसे ही मैं निकली मेट्रो स्टेशन से, वैसे ही रोड के उस साइड में ये पार्क है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा, आराम से आप मेट्रो से निकलोगे और पार्क में पहुंच जाओगे रोड क्रॉस करके। वीडियो में हर एक चीज़ दिखाऊंगी आपको कि इस पार्क की टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक की है, ये पार्क कब कब ओपन रहता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में देखते रहना। तो ये मैं अब एग्जिट करने के लिए निकल रही हूँ, तो आप देखना कौन से गेट नंबर से मैं निकलूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। मैं बस जाते जा रही थी, बस फॉलो करते हुए जा रही थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं पहले इससे पहले कभी भी इस पार्क में आई नहीं हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे भी लगा कि एक बार मुझे जाना चाहिए। तो ये मैंने ऐसे एग्जिट किया और आप देखना कि मुझे बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा ज़्यादा। जैसे यहाँ से निकलूंगी और रोड के उस तरफ पार्क है, तो ये मैं पार्क में भी आ गई और मैं एंट्री करने के लिए गेट को ढूंढ रही हूँ, लोगों को फॉलो करते जा रही हूँ। और मैं आपको टाइमिंग भी, जैसा आप वीडियोस में देखते हो ना सेंट्रल पार्क के बारे में, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद ये रहा इसके खुलने और बंद होने की टाइमिंग जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो आप देख सकते हो कि ये कब खुलता है कब बंद रहता है सब आप। हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस को पूरा देखना। तो ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा था, पता भी नहीं था कि ये पार्क इतना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। इसमें इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं ना कि आप देखोगे, एक बारी बस आप इस पार्क में चले गए ना तो आपको घर आने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। इतने सुंदर सुंदर, इतने सारे फ्लावर्स लगे हैं ना कि क्या बताऊं। तो ये मैंने गेट नंबर 3 से एंट्री किया, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गेट पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हाँ, यहाँ पे मैंने फाउंटेन्स भी बहुत सारे लगे हुए देखे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे वाटर शो होता होगा। अगर आप लोग पहले भी जा चुके हो यहाँ पे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपने वाटर शो देखा है या नहीं। मुझे लगा कि होता होगा, बट मैं, आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी और ऊपर से धूप भी थी। मैं पार्क जाने के लिए ना घर से बहुत जल्दी ही निकल गई थी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले पार्क में चली जाऊंगी, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। तो ये देखो आप कितने सुंदर सुंदर, स्टार्टिंग में ही इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बहुत सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। बट आप ध्यान रखना, इतना ज़्यादा कीचड़ था ना उसके आगे कि क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे करके मैं वहाँ पर गई, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अलग अलग पैटर्न के बनाए हुए हैं यहाँ पे फ्लावर्स वाले ये सेल्फी पॉइंट, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको फोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक है, वीडियोस बनाने का, तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। यहाँ पे इतनी इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, अभी तो ये आपने स्टार्टिंग ही देखा है। जब मैंने फ्रंट से ऐसे ये एंट्री किया था तब आपने देखा था, अभी आप देखते जाओ कि कितनी भीड़ होगी पार्क में। हाँ, अगर आपको कैमरे से भी फोटो क्लिक करवाना है तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे थे जो कि आपको फोटो निकाल करके दे देंगे हैंड टू हैंड। अभी मैं और अंदर जा रही हूँ, तो आप लोग देखते रहना कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन्होंने। मैं तो बस देखते जा रही थी क्योंकि मुझे ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं अगर वहाँ पे आ जाऊँगी ना तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट मुझे शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने सोचा कि
फिर कभी आया जाएगा। तब तक मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सप्लोर कर ले रही हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ना, मुझे लगता है कि पानी इन्होंने, मुझे लग रहा था ना कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही पानी डाला गया था फ्लावर्स में, जिसके वजह से कहीं कहीं सूखा था और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका था। बट उस कीचड़ में भी लोग खड़े होकर फोटो क्लिक करा रहे थे। मैं तो धूप से ही परेशान हो गई थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, फिर भी मैंने हर चीज़ों को इग्नोर करके वीडियोस बनाई और फोटोज़ वगैरह क्लिक कराया मैंने। तो देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फ्लावर्स हैं। मतलब जिधर भी आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ तक आपको बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे, वो भी रंग बिरंगे। ये देखो मज़ा ही आ गया यहाँ पर आकर। और मैं आगे आई तो मुझे ये सारे पिलर्स टाइप के, उसमें फ्लावर्स लगे हुए थे बहुत सारे, बच्चे बूढ़े जितने भी थे ना, सब लोट पोट करके फोटो क्लिक करा रहे थे। मैं तो अपने फैमिली के साथ एक बार यहाँ पे जरूर आऊंगी। आओ मैं आपको और आगे की चीजें दिखाती हूँ। मैं इस वीडियो में आपको सारा व्यू दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, मुझे तो कसम से इतना ज्यादा मजा आया ना कि क्या बताऊँ। मैं अगर थोड़ा सा और लेट गई होती ना, तब तो और अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवाती, क्योंकि धूप की वजह से भी ना, मतलब ब्लैक ब्लैक से, ब्लर ब्लर से आ जा रहे थे फोटोज में। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बार बार एक ही चीज को क्लिक कर रहे थे, बट वो सही नहीं आ रहा था क्योंकि धूप की वजह से वो काला पड़ जा रहा था, कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। बट फिर भी इस पार्क के खूबसूरती की वजह से यहाँ पे धूप में भी इतनी भीड़ है, वो आप देख सकते हो। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। शायद ही मैंने पहले इससे कभी इतना खूबसूरत पार्क देखा होगा। ये देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे आने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है ये पार्क, तो इसलिए भी यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं ना, और इतने बड़े मतलब एरिया में ये बना हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये तो मैं आपको हाफ ही दिखा रही हूँ, अभी और भी बाकी है जो कि आप देखते रहो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मोदी जी की भी स्टैचू लगी हुई है, ये देखो स्टंटबाजी हो रही है। ये है, और यही वो जगह है जहाँ पे वाटर शो होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाई, बट मैं नेक्स्ट बारी एक बार जरूर आऊंगी यहाँ पे फिर से। मैं अच्छे से इस वीडियो में आपको ये फाउंटेन दिखा रही हूँ जिसमें वाटर शो होता है, और उसके आगे का जितना भी खूबसूरत नज़ारा है वो मैं सब आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, एक और सेल्फी पॉइंट दिख गया। यहाँ पर तो और भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला ना मेन उसका, मुझे लग रहा था कि सेल्फी पॉइंट का सबसे बड़ा और सबसे मेन सेंटर यही था, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ही, यहाँ से मैं कैमरा को चारों तरफ घुमा करके आपको दिखा रही हूँ कि चारों तरफ देखने पर ये कैसा दिखता है। ये देखो इधर जो फाउंटेन वाला मैंने दिखाया था वो है, और ये रहा इतने बड़े बड़े गमले में, और सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट आई थिंक यही था। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा कीचड़ था, मैंने भी यहाँ पे दो चार फोटोज क्लिक कराया। देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। मुझे ना ऐसे जगहों पे ही जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसको टच करके देख रही थी कि इसके अंदर डाला क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि नारियल के जो छिलके जो होते हैं ना, रेशे वाले टाइप के, उसको बिछा करके बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके बनाया गया था। ये यहाँ पे लड़की एक रील्स बना रही थी, छोटी सी थी, बहुत प्यारी। और अभी आप देखते जाओ, इसमें आपको कैप्टन जैक स्पैरो दिखेगा सिंगिंग करते हुए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये।
और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आराम आराम से मैं सब आपको दिखा रही हूँ, ये देखो इसकी डिजाइनिंग कितनी अच्छे से की गई है ना। यहाँ पर पता नहीं किस चीज की भीड़ थी, जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर समुद्री लुटेरों के सरदार कैप्टन जैक स्पैरो ने हाथ में गिटार पकड़ रखा है और वो सिंगिंग कर रहा है, और उसे देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी वहां पर। फिर मैंने साइड का ऐसे इस तरीके से फोटो क्लिक किया, वीडियोस बनवाया, और अभी मैं भी आ गई कैप्टन जैक स्पैरो को देखने के लिए। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टैचू लगी हुई थी, जहाँ पे लोग उनके साथ फोटोज क्लिक करा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वीडियोस में आ जाती हूँ, पता नहीं रियल लाइफ में मैं मिल भी पाऊंगी कि नहीं कभी। और ये देखो ऊपर से फाउंटेन वाला एरिया कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आया। पूरे पार्क को हमने अच्छे से कवर करने के बाद सोचा कि कुछ देर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है ना इस पार्क का कि चलते चलते हमारे पैर थक गए। फिर हमने कुछ देर सोचा कि कहीं पे बैठ के 5-10 मिनट रिलैक्स होते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो इस पार्क को मैंने अच्छे से कवर करके आपको दिखाया, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो सब आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आसपास में भी इतना खूबसूरत पार्क है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पर भी घूमने आऊँ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि कोई भी बेंच खाली नहीं था बैठने के लिए। फिर हमने सोचा कि घर चलने में ही भलाई है, तो फिर हम एग्जिट के लिए रास्ता देख रहे थे कि किधर से हमें एग्जिट करना है।